बीती रात मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या से महाराष्ट्र में अब सुरक्षा को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। वहीं सरकार का कहना है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही दो आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले में जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बीती रात मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या से महाराष्ट्र में अब सुरक्षा को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर सवालों की बौछार है। विपक्ष का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हमने तो ओपनली बोला आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं है। और वो लोग, मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है।